बिलखिरिया में श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ा जन सैलाब। इसमें जो है जिस महिला को संतान नहीं होती है वह दुग्ध पी करके भगवान की सेवा करती है और भगवान की जो है पूजन करती है और दूध पी करके ही अपना व्रत जो है करती है। ये पयो व्रत करने से, उसका नाम ही पयो, पया माने होता है दूध, दूध पी करके दूध चढ़ा करके ही इस व्रत को करने से सारी जो है संतान की इच्छा की पूर्ति होती है। अदिति को कश्यप जी ने यही उपाय बताया था और अदिति माता ने एकम से लेकर के त्रयोदशी तक पयो व्रत किया था। उस पयो व्रत दूध के प्रभाव से अदिति मैया के यहाँ वामन भगवान ने अवतार लिया था। बोलिए वामन भगवान की। वो जो वामन भगवान है जो बलि के दरवाजे पर खड़े हुए आते हैं, श्रोणायाम श्रवणम दास्याम मुहूर्ते अभिजिता प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्यास शुक्र जन्मो दक्षिणाम। अब भगवान का समय आया है अवतार लेने का। ये भादो का महीना बड़ा विचित्र है। मेरे कान्हा का अवतार कब हुआ था? भादो के महीने में। बलराम जी का अवतार कब हुआ है? भादो के महीने में। वामन भगवान का अवतार कब हुआ है? भादो के महीने में। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 तारीख को हमारा विशाल कलश यात्रा बिलखिरिया में लगभग 5,000 जनता के द्वारा प्रभात फेरी की गई। तत्पश्चात 23 तारीख को बैठकी का आयोजन शुरू हुआ। 23 तारीख से 29 तारीख तक यह राम कथा 7 दिन का ये प्रारंभ होगा। 30 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें पिछले साल को देखते हुए हम लोगों को इस साल ये लगभग अंदाजा है कि 50,000 से 1,00,000 की संख्या में लोग यहाँ पर भंडारा में शामिल होंगे। विगत वर्ष हम लोगों ने इतना आयोजन करने के पूर्व सुनियोजित ढंग से ये निश्चित नहीं था कि लगभग 50,000 से 60,000 जनता यहाँ पर इकट्ठी होगी, लेकिन पिछले साल का आयोजन को देखते हुए हम लोग इस साल बृहद आयोजन का व्यवस्था किया गया है, जिसमें इस कथा को संपूर्ण कराने में श्री धर्मा जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इनके सहयोगी हम सभी जो कार्यकर्ता हैं, हम तत्पर 24 घंटे इस कथा को आयोजन कराने में जो भी गुरु जी के द्वारा आदेश होता है उस व्यवस्था में हम लोग सारे लोग लगते हैं। और हमारे इस पंडाल में आप अभी देख रहे हैं लगभग 4:30 बजे के करीब ये पूरा पंडाल फुल हो जाएगा, जिसमें लगभग 500 से 1,000 की संख्या में लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। आज क्योंकि संडे है, सभी लोग कंकाली देवी के लिए अभी चुनरी में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए आज थोड़ी सी संख्या थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन आधा एक घंटा बाद वो सारे लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरा नाम गिरीश तिवारी। धर्मवीर मीणा। बहुत अच्छा लगा। उद्देश्य क्या है? धार्मिक सभी फैलाना है, सभी पब्लिक के लिए। जो भी मंदिर क्या है, 9 दिन नवरात्रि का त्योहार रहता है कंकाली मंदिर, उसी उद्देश्य से हमने ये कार्यक्रम रखा भागवत कथा कि सभी लोग आए यहाँ पे देखने सुने भागवत गुरुदेव के द्वारा जो कार्यक्रम हो रही है सुदर्शन महाराज जी द्वारा भागवत कथा व्यास।